नमस्कार दोस्तों, मैं मंतोष अपने इस YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आते हैं शादी का कार्ड छपवाने के लिए तो वो मैटर आप किस तरह से लिखेंगे। जैसे देखिए ये एक कार्ड है, कार्ड के ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे कि इसमें श्री गणेशाय नमः मंगलम भगवान विष्णु इस तरह से करके दोहे लिखे गए हैं। एक इसमें ये शायरी भी लिखा गया है, वैवाहिक कार्यक्रम है। तो चलिए अगर हमारे पास अगर कस्टमर आते हैं तो हम उनसे क्या क्या पूछेंगे और क्या क्या जरूरियात चीज हम लिखेंगे। तो चलिए अब हम कॉपी और पेन लेकर आप लोगों को हम बताते हैं उसमें हम क्या क्या लिखेंगे। तो चलिए हम आ चुके हैं यहाँ राइटिंग के पास और देखिए लड़का का अगर लड़के वाले आपके पास आते हैं तो उसमें सबसे पहले आप लड़के का नाम लिखेंगे। अगर लड़की वाले आते हैं तो सबसे पहले आप लड़की वाले का नाम लिखेंगे, यानी जो जो पक्ष आपके पास आता है सबसे पहले आप उसी का नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास अगर कोई कस्टमर आते हैं लड़के वाले की कार्ड छपवाना है तो हम सबसे पहले उसमें लड़के का नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि लड़का का नाम हो गया राहुल कुमार, यहाँ पे हम लिखेंगे लड़का, उसके बाद से राहुल कुमार हम उसका नाम लिख, फिर उसके हम बाद हम उसके पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम जैसे हो गया मंतोष कुमार सिंह, मान लीजिए ये नाम एक हो गया मंतोष कुमार सिंह। अब चलिए अब इसके बाद हम इस कागज के राइट साइड में आ जाएंगे, इधर राइट साइड में, और फिर हम लड़की का विवरण लिखेंगे। लड़की का विवरण मान लीजिए जैसे हम लिख देते हैं नीतू कुमार, जो लड़की है वो हो गई नीतू कुमारी। अब उसके बाद हम उसके पिता का नाम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि मदन सिंह पिता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। उसके बाद से हम उसका पता लिख देंगे, यानी ग्राम, ग्राम होगा या सिटी होगा जो भी होगा आप लोग वहां से देखकर लिख लेंगे। मान लीजिए हम ग्राम लिख देते हैं ब्रौली, ब्रौली, और ब्रौली का जो थाना होता है वो भी ब्रौली ही होता है, तो वहीं पे हम प्लस करके ब्रौली लिख देंगे। और फिर जिला हम लिख देंगे गोपालगंज। यहाँ पे जो दूसरे पक्ष का है वो विवरण हम यहीं पे पूरा लिख देंगे। अब चलिए अब हम लिखते हैं इसमें जो शुभ वैवाहिक कार्यक्रम करके लिख देते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे शुभ तिलक। जो तिलक होता है वो सबसे पहले हालांकि लिखा जाता है, तो इसमें तिलक का जो डेट है हम वहाँ पे लिख देंगे 9/7/18 को। तिलक का जो डेट होगा 9/7/18 या जो भी आपके पास कस्टमर होंगे उनके हिसाब से, उसके बाद से आपको कार्ड में उसका दिन लिखना पड़ेगा। उसके बाद से जो कथा मटकोर होता है हल्दी कलश उसको लिख देंगे, हल्दी कलश लिख देंगे 10/7/18 को, 10/7/18। उसके बाद हम उसका शुभ विवाह लिख देंगे, शुभ विवाह 11/7/18 भी आपके कस्टमर बोलेंगे उस हिसाब से आप लिख देंगे। कार्ड में जितना तामझाम दिया रहता है उतना इसमें नहीं लिखना है, वो आपके फॉर्मेट में होगा और फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा। और लास्ट में हम लिख देंगे इसमें शुभ विदाई, शुभ विदाई, यानी शादी के एक दिन के बाद शुभ विदाई हो जाता है, शुभ विदाई हम लिख देंगे यहाँ पे और दिन भी लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम जो होता है वो आकांक्षी में लिख देंगे, जो घर के मालिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गए वीर बहादुर, ग्राम कर देते हैं कमालपुर। ये आप लोगों को केवल दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं, थाना ब्रौली हो जाएगा। उनका पूरा पता यहाँ पे जो आपके पास आने के लिए आए हैं का पूरा पता यहाँ पे लिख देंगे और मोबाइल नंबर भी हम उनका लिख लेंगे। यहाँ पे खाली मोबाइल का संकेत दे दिया जा रहा है। अब इधर चलते हैं हम, उसके घरेलू लोग हैं यानी जो घर के उसके संबंधी है, चाचा है या भाई है, उन लोगों का नाम। और ये जो आकांक्षी हो गया है, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका नाम होता है, यानी जो मालिक टाइप के होते हैं, जो मेन होते हैं, मुखिया होते हैं, उनका नाम। और दर्शना अभिलाषी में हम पारिवारिक नाम लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं संजय, संजय सिंह, उसके बाद ओम प्रकाश सिंह। इस तरह से जितने भी नाम होंगे उतने हम नाम लिख लेंगे। अगर यहाँ पे बाल आग्रह का भी एक जिक्र होता है, जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों को जो चाचू कहता है या लड़की वाले को फुआ कहता है, तो हम बाल आग्रह भी डाल देते हैं जो कि फॉर्मेट के हिसाब से आ जाता है। और तो देखिए हमारा जो टोटल होता है यही लिखने का होता है। अगर मान लीजिए कि प्रेषक में पैकेट पर, यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे प्रेषक में दिया गया है, अगर प्रेषक में किसी और का नाम कार्ड वाले डलवाना चाहते हैं तो प्रेषक का नाम हम अलग से
इसमें एक जगह ऐड कर देंगे नाम, जो पैकेट में जो समाज में चर्चित व्यक्ति होते हैं उनका अक्सर प्रेषक में दिया जाता है, वरना लड़के लड़की वाले के पिता का ही नाम इसमें दे दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें ये श्री गणसाय वगैरह इतना लिखा गया है। यहाँ पे देखिए एक बाल आग्रह भी है, इस तरह से लिखा गया है दर्शनाभिलाषी आकांक्षी। ये जो है लड़के वाले का नाम है, ये लड़की वाले का नाम है, ये श्री गणसाय और शायरी भी है। तो इतना आपको तामझाम, ये शॉर्टकट में आपको केवल डेट, लड़का लड़की का नाम, आकांक्षी और दर्शनाभिलाषी, इतना ही आप लोगों को कस्टमर से लिख लेना है। और बाकी कस्टमर जैसा आपके पास डिमांड करता है शादी का स्थल वगैरह पे आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम शादी विवाह का अगर कस्टमर आते हैं तो उसका मैटर किस तरह से लिखेंगे, तो मैटर का प्रारूप हमने आपको पूरी तरह से बता दिया है। हम फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।